संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। 5 आरोपी घटना वाले दिन ही पकड़े गए हैं। एक छठा आरोपी है और मास्टरमाइंड माने जा रहे आरोपी ललित झा, जो अभी तक फरार था, लेकिन अब उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। रिपोर्ट देखिए। संसद सुरक्षा चूक मामले में जांच चल रही है। जांच के दौरान एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। हालांकि एक आरोपी की डायरी सामने आने के बाद कई खुलासे भी हुए। इस बीच खबर है कि पूरे चक्रव्यूह के रचयिता यानी कि मास्टरमाइंड ने खुद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। दरअसल संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने साजिशकर्ता ललित झा को गिरफ्तार कर लिया है। ललित झा ने विजय पथ पुलिस स्टेशन में आकर खुद को सरेंडर किया। उस पर आरोप है कि वो संसद के बाहर मचे हड़कंप की वीडियो बनाने के बाद वहां से भाग निकला था। फरार रहने के दौरान उसने चारों आरोपियों के फोन को नष्ट कर दिया और सबूत मिटाने की कोशिश भी की। पुलिस को शक है कि उसने जांच को भटकाने के लिए ऐसा कदम उठाया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना को अंजाम देने से पहले चारों आरोपियों ने अपने फोन ललित झा को सौंप दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कारनामा करने के बाद वो लोग पकड़े जाएंगे। ऐसे में पुलिस के हाथ कोई सबूत न लगे, इसलिए उन्होंने फोन ललित को दे दिया था। ललित घटना के वक्त तक संसद के बाहर खड़ा रहा, लेकिन बाद में वो वहां से निकल गया। उसने राजस्थान के कुचामन में जाकर अपने दोस्त महेश के साथ सभी आरोपियों के फोन को जला दिया था। हालांकि इस मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस ने ललित झा को पकड़ने से पहले महेश के चचेरे भाई को हिरासत में लिया था। कैलाश ने ही उन्हें बताया कि ललित और महेश दिल्ली गए थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ललित झा खुद ही थाने आया और जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बुधवार को संसद के बाहर ललित झा अपने साथियों के साथ आया था। उसने वहां संसद के बाहर नीलम और अमोल की नारे लगाते हुए वीडियो भी बनाई। इसके बाद वह फरार हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे पकड़ने के लिए एनजीओ को संपर्क किया, जिससे झा जुड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर पुलिस की तलाश अब आखिरकार जाकर खत्म हुई है, क्योंकि एक छठा आरोपी ललित झा, जिसकी सरगर्मी से तलाश पुलिस कर रही थी, उसने खुद पुलिस का काम आसान कर दिया और थाने में जाकर उसने सरेंडर कर दिया है। अब पुलिस ने इन 6 आरोपियों को अपनी कस्टडी में 7 दिनों के लिए रखा है। इस दौरान उनसे जरूरी पूछताछ की जाएगी और इनके संपर्क और तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, इन सभी के पता लगाने की भी भरपूर कोशिश होगी और इसी आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC News।